विशेषकर जब से देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेषकर आरएसएस के लोग और इनके समर्थक बहुत सारे बजरंग दल जैसे संगठन इस देश में एक विशेष समुदाय को, जिसकी लड़ाई भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में लड़कर उनको अधिकार दिलाने का काम किया था, संविधान के अंदर संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया था, आज ये सारी ताकतें संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए, संविधान को नेस्तनाबूद करने की साजिश करते हुए, एक विशेष समुदाय को जिसको दलित समुदाय, बहुजन समुदाय बोला जाता है, उसका मनोबल तोड़ने की रात दिन कोशिश और साजिश में लगे हैं। उसी साजिश और कोशिश का एक हिस्सा है कि अगर कहीं किसी दलित पिछड़े बहुजन के साथ में कितना ही बड़ा कोई अत्याचार होता है, चाहे इनके विधायक करें, इनके सांसद करें, इनके बीजेपी के नेता करें, इनके संगठन के लोग करें, तो उल्टा पीड़ित या पीड़िता को ही उसका मनोबल गिराने का काम किया जाता है। अभी ये मोटा मोटा उदाहरण, व्यक्ति विशेष की बात छोड़िए, देश के 30-40 करोड़ लोग जिन श्रोमणी संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानते हैं और उनमें पूरी धार्मिक आस्था रखते हैं, उनके गुरु स्थान को तुगलकाबाद में बहुत बड़ी साजिश के तहत गिराने का काम किया गया और जब पूरे देश के लोगों ने उस पर अपना विरोध दर्ज किया और जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, उसमें सैकड़ों संगठन शामिल थे, धार्मिक संगठन भी थे, सामाजिक संगठन भी थे, जब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने रामलीला मैदान में यह तय किया कि हम इस लाखों लोगों की जो उपस्थिति है, इस रैली का समापन हम अपने गुरु स्थान को नमन करके तुगलकाबाद में वहां इसका समापन करेंगे, तो वहां पहुंचते ही किस तरीके से संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के अनुयायियों पर जुलूम जाती सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा की गई, अभी वकील साहब ने सारा कुछ उस पर बताया है। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद जो भीम आर्मी के हमारे संस्थापक हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और लगभग 95-96 भीम सैनिकों के ऊपर जो तरह तरह के गलत तरीके से बिल्कुल मुकदमे लगाकर जेल में डाला गया, ये सरकार की बहुत बड़ी तानाशाही को, इस समाज के प्रति बहुत बड़ी तानाशाही को दर्शाता है और उनके अत्याचार और उत्पीड़न जुलूम जाति को दर्शाता है। अभी जो वकील साहब ने बताया सहारनपुर की घटना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा इस गरीब समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कौन से बड़ा कोई मान्यता वाला व्यक्ति इस धरती पर नहीं रहा है। इसलिए जब भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर किसी भी तरह की अपमानित घटना होती है, क्योंकि अपमानित घटना करने वाले लोग जानते हैं कि इनका सीधे सीधे अपमान ना करके इनके महापुरुषों का अपमान करो, तो उसी क्रम में सहारनपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने, वहां के समाज के लोगों ने, वहां के डीआईजी, वहां के एसएसपी, वहां के पुलिस थानों में जाकर शिकायत दर्ज कराई, तो उनकी शिकायत का संज्ञान बहुत हल्के में लेते हुए
और जिनकी वीडियो भी वायरल हुई है, मेरे पास भी वीडियो है, जिन साथियों को देखनी है मैं दिखा भी दूंगा। उस वीडियो में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले विशेष कैटेगरी के लोग वो पुलिस के साथ में खड़े होकर उन निर्दोष लोगों पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों पर पथराव करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बावजूद पुलिस ने उनको गिरफ्तार ना करके उल्टे 700 लोगों के खिलाफ वहां संगीन धाराओं में FIR दर्ज करी और अब उन सारे लोगों के जीवन को, उनकी लाइफ को बिगाड़ने का, खराब करने की साजिश ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो मनुवादी सोच रखने वाले उनके अधिकारी हैं वो सारे के सारे मिलकर कर रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में कोई दादागिरी करने के लिए नहीं बना है साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के और भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखता है, पूरा विश्वास रखता है और जहां भी संवैधानिक अधिकारियों के लिए लड़ने की बात आती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसमें कमजोर समाज के, अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए इन सारे लोगों को, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो संगठन में भाजपा के में बैठे हुए लोग हों, चाहे RSS के लोग हों, इसलिए इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों से आज हो रही है। अभी माननीय प्रशांत गौतम जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं तो केवल इतनी बात कहते हुए कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक बच्चा बच्चा इस देश के संविधान में, इस देश के मौलिक अधिकारों में अपनी पूरी आस्था रखता है, पूरा विश्वास रखता है और संविधान के ऊपर जहां भी आंच आएगी, जो भी असामाजिक तत्व वो देश में, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी सरकार के हों, किसी समाज के हों, जब भी देश में संविधान को तोड़ने की कोशिश जो भी करेगा, संविधान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश जो भी करेगा और जो भी संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए कमजोर समाज के लोगों पर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करेगा, चोट पहुंचाएगा, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे संवैधानिक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर, रास्ते पर चलते हुए उसका प्रजोर विरोध करेगी और जब तक करेगी, जब तक अपराधी को, अपराध करने वाले को उसको सजा नहीं मिल जाती है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता है। मैं अंत में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और यह आंदोलन, ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक जेल में बंद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उनके सभी साथी रिहा नहीं हो जाते हैं, तो तुगलकाबाद में जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके सरकार ने और कुछ अधिकारियों ने जो मंदिर को तोड़ा है, उस गुरु स्थान को तोड़ा है, जब तक गुरु स्थान नहीं बन जाता है और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है और सहारनपुर में सभी 700 लोगों के ऊपर जो गलत तरीके से मुकदमे लगाए वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपना आंदोलन जारी रखेगी और देश में जहां जहां भी कमजोर समाज के ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी समाज के हो, जहां जहां भी इस देश में कमजोरों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुलूम जाती होगी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन चाहे किसी भी प्रदेश में जुलूम जाती हो, जैसा पहले से वहां जाकर उनके साथ खड़ा होकर न्याय दिलाने की प्रयास करता रहा है, हमेशा बगैर सरकार के दबाव में आए, बगैर सरकार से डरे इस जुलूम जाति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।